ये तो बस एक जंगल है। आगे बोलिए। आज तो पूरी घाटी जागी है। मेरे जो कजिन है उसने कहा कि वरुण ग्रोवर का गाना था तो थेसोरस लेके बैठना पड़ा लेकिन गाना तो इतना नहीं था। क्या बोला, फिर से बोल। मेरा इंती थोड़ा तकलीफ। और न्यूज क्लिक के सुनने वालों को पता चलना चाहिए इनका नाम रघुराम नहीं है, ये राहुल राम। जो भी मिले ना आपको बोलते रहने, रघु जी ऑटोग्राफ के, बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसा। इंडियन ओशन के बारे में एक चीज भी कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में 5 लोग हैं बैंड में, 1 एथिस्ट है, 1 एग्नोस्टिक है, 3 बिलीवर हैं, मगर हम साथ में निकलते हैं यार, बड़े प्यार से एक दूसरे के, वी एक्सेप्ट ईच अदर फॉर व्हाट वी आर। तू है या नहीं मन मन में मैं सोचूं कभी कभी, वन वन हाफ यूरूस चाने हमारे साहिबों यू आर हम नाची। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है, मेरा नाम है सत्यम। आज हम इंडियन ओशियन बैंड के साथ मौजूद हैं, इंडियन ओशियन जिसने कि जब शुरू किया था तो कैसेट से शुरू करते हुए हमने उनके गाने पे फिर सीडीज में सुने, उसके बाद डाउनलोड किया, आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लंबे अरसे से जो बैंड है वो काम कर रहा है। हम पूरे बैंड के साथ हैं। आज 5 मई है जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। तू है जिस एल्बम का नाम है वो आज रिलीज़ हुई है, 8वीं एल्बम है, गाने उसके सारे आ चुके हैं, आप लोग इसको स्ट्रीम पर अब सुन सकते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे गानों के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में, और जो म्यूजिकल जो सीन है इंडिया का, वो जो चेंज हो रहा है उनको कैसा लग रहा है और कैसा जो है मज़ा आ रहा है गाने बनाने में, और कितने लगातार ये ग्रुप काम कैसे कर रहा है। बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम लोग थोड़े से गाने सुन लेंगे, थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले तो जो जादू माया गाना है ना, जादू माया गाना बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, लेकिन उसका जो वीडियो है उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि जो वीडियो बना है उसका, और जो पूरा एनिमेशन के थ्रू हमने मीडिया पर बात की है, वो आइडिया कहाँ से आया, क्या आप लोगों का था, आपने बाहर से आया वो आइडिया, कोई भी बता सकता है। वो वीडियो का आइडिया एक्चुअली वरुण ग्रोवर का है, जिसने गाना खुद लिखा है। लिखा है तो ही एक्चुअली ओरिजिनल ये था कि पैंडेमिक से पहले ही बात हो रही थी कि शूट करेंगे एक्चुअली हमारे साथ, और कहानी रफली वैसे ही थी उसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ शूट एंड एनिमेशन था। फिर पैंडेमिक हो गया, मिल नहीं पाए, तो उन्होंने एनिमेशन बनाया। इसमें द स्टूडियो इज जस्ट अ डिवाइस, कि आप स्टूडियो से वेरी इजी टू शो दैट समबडी इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ से इबोला वायरस हो रहा है, यहाँ से वो बेचारा बच्चा जो सीरियन लड़का जो मरा था, तो आप फोकस कर सकते हो अलग अलग चीज़ों पर बिना कहानी बनाए हुए। हाँ, तो वो डिवाइस था। वो डिवाइस ये भी था कि जैसे उस वीडियो में झगड़ा होता है इन दोनों के बीच में, और वो झगड़ा जैसे हम लोग देखते हैं आजकल, और ये बोलने का ये आइडिया था कि आप छोटे छोटे बातों पे फोकस कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, जबकि द बिगर ट्रूथ ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल अराउंड यू, आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और वो जो एक मॉन्स्टर आता है, वो मॉन्स्टर एलेगरी है, वो कोई रियल मॉन्स्टर नहीं है, और वो मॉन्स्टर इज अगेन यूज्ड एज अ मींस ऑफ शोइंग दैट द वर्ल्ड कैन गेट डिस्ट्रॉयड व्हाइल वी आर बिजी टॉकिंग अबाउट यूजलेस थिंग्स। क्लाइमेट चेंज का बहुत आप लोगों को करीब से महसूस होता है क्या, कई सारे गानों में पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो मतलब ये एक कॉन्शियस थॉट रहता है कि इससे जुड़े हम गाने जो हैं बना सकते हैं और ये बनाने चाहिए। वेल नहीं, कॉन्शियस थॉट ऐसा तो नहीं है, बट ऑल द सॉन्ग्स जो इंडियन ओशन में आते हैं वो सबके एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस या वर्ल्ड व्यू से आए हुए हैं। तो इसके पहले से मारेवा था, यू नो राहुल ब्रॉट दैट सॉन्ग इन टू इंडियन ओशन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस इन विद द नर्मदा मूवमेंट। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कॉन्शियस में कहूँगा कि हम ऐसे कभी मीटिंग नहीं करते हैं कि अगला गाना हम क्लाइमेट चेंज पे लिखने वाले, लेकिन सब कॉन्शियस में तो सभी के हैं एंड वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम इट, एंड आई थिंक वी ऑल्सो फील इंडिविजुअली हेल्पलेस बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ यू नो वट एवर इज हैपनिंग। तो बस वही है कि वी मेड द सॉन्ग एंड वरुण के दिमाग में एक थॉट था कि कैसे इसको लिखना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। No, no, the whole album, हाँ
हाँ सो होल एल्बम में आई वुड से है वो हल्का स्ट्रेन ऑफ ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि हम उतने टॉपिकल हम नहीं रह सकते लाइक अ न्यूज़ चैनल यू नो कि ये हुआ भी वी ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू मेक सॉन्ग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली जो भी हो रहा है आसपास वो दिखता है हमारे गानों में श्योरली. जो थेथर शब्द है ना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छा मुझको लगता है जो वर्ड है पूरा, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, भोजपुरी है मेरी लैंग्वेज, तो थेथर ही थेथर हो गया है जो पूरा है वो, तो बहुत ही मुझे मजा आया. वरुण वरुण की कृपा है. साउथ इंडियन हूँ तो मैंने अपने फैमिली पे ग्रुप पे ये गाना भेजा था, तो मुझे एक मेरे जो कजिन है उसने कहा कि वरुण ग्रोवर का गाना था तो थेसॉरस लेके बैठना पड़ा. लेकिन गाना तो कह रहा है कि क्षण मंगू सब क्या क्या हो रहा है, तो उसने छोड़ दो हिंदी थोड़ा तकलीफ. मेरा इंती थोड़ा तकलीफ. कर्नाटक इलेक्शन आ रहा है, हर कोई जाके ये पूछ रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो हिंदी वालों को. एंड यू नो वीडियो में वन ऑफ द वियर्ड थिंग्स, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट सडनली तुहिन गन लेके शूट करता है. हमारा कोई वो नहीं था कि वी हैव एनी वी आर नॉट, दैट वॉज नॉट अ कमेंट ऑन वॉट हैपन्ड इन यूपी बिकॉज द वीडियो हैड बीन मेड टू ईयर्स बिफोर दिस हैपन्ड. बट इट जस्ट कोइंसाइडेड, यू विल गेट इट. हाँ, और आई थिंक कुछ लोगों को लगा कि शायद ये डायरेक्ट मीडिया को लेकर के कुछ दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअली जिनको वो लगा उनको एक्चुअली समझ ही नहीं आया फिर कि वीडियो क्यों. इससे ज्यादा स्पष्टता से अगर बताएंगे तो फिर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी कुछ, तो कभी की वो डिवाइस है मतलब. हाँ, कभी की कल्पना पूरी तरह से ताक पे रख दी जाए तो फिर आप सीधी किताब ही पकड़ा दीजिए भाई साहब. ये लो पैम्फलेट्स, ये लो ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, हाइलाइट भी कर दिया. हाँ, हम ये बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा फिर कैसा है. तो जादू माया अभी सुन सकते हैं क्या, मतलब अगर आप लोग गाना चाहें तो? हाँ, लिंक इन बायो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. काफी दिनों से ये सोशल मीडिया का वो कर रहे हैं तो काफी सारे हमने कर लिए. लिंक इन बायो, लिंक इन बायो. ये दुनिया थोड़ी चंदनगुरी है, दुनिया थोड़ी थेतर है. तुम जितना जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है. खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है. ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है. कुछ खाक समझना अगर हम बिगनिंग की बात करें, मतलब आप 93-94 से आए थे, आप शुरू से हैं 1990 से. मैं शुरू से नहीं, मैं 91 से हूं. आप 91 से, तो शुरू वाला कोई भी नहीं है अभी. हाँ, तो ये होता है, फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जिन दोनों ने एसेंशियली बैंड शुरू किया था, सुष्मित और ओशिम, ओशिम की डेथ हो गई 2009 में और 2013 में सुष्मित ने बैंड छोड़ दिया. उसको 10 साल हो गए उस चीज़ को. और बीच में एक पीरियड था मेरे ख्याल 94 to 2009 जब हम चार ही थे, सुष्मित, ओशिम, अमित और मैं, और वो काफ़ी सारे एल्बम उस टाइम पे निकले. इंडियन ओशन के पहले एल्बम में अमित नहीं था, शालीन शर्मा जी थे जो ड्रम बजा रहे थे. तो पर्सनल चेंज होता है. आप आए 94 में, तो मतलब थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे जो हैं जुड़े बैंड से, एंड हाउ हैज इट बीन. अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की कहानी मिली जा करके. आई थिंक 94 में जब मैं आया तो शर्मा जी छोड़ रहे थे. यार शुरू में क्या होता है ना, ऑलमोस्ट हर बैंड में, ज़रूरी नहीं कि हर में, लेकिन लोग आते हैं जाते हैं, थोड़ा अनस्टेबल सा रहता है मामला. फिर कुछ एल्बम भी निकलते हैं लेकिन
जब तक एक या दो प्रॉपर लाइनअप नहीं बनते तब तक मोस्ट ऑफ द बैंड्स डोंट ब्रिंग आउट अ बिग बॉडी ऑफ वर्क. तो आई थिंक हमारे साथ भी यही हुआ था 90s में, 91 में राहुल आया, तब भी आई रिमेम्बर और भी लोग होते थे बैंड में, सिर्फ चार नहीं थे. सावन भी थी, कीबोर्ड प्लेयर थी, इंद्रनील थे एक और ऐसे करके लोग आए, लोग गए शुरू में. और उसके बाद आई थिंक 91 एंड 92 के आसपास आई थिंक थोड़ा स्टेबल हुआ मामला, जब पहली एल्बम रिकॉर्ड हुई तब जाके चार रह गए. इनफैक्ट आई थिंक फर्स्ट एल्बम में किसी और ने भी एक गाना में बजाया, डेमो में था. तो फिर जा करके 93 में शर्मा जी ने बोला होगा कि शायद मैं छोड़ रहा हूँ. और मुझे याद है 93 एंड पे जा करके कहीं मेरे को एक फ़ोन कॉल आया था, समवेयर अराउंड 93 एंड. उसके बाद 94 में मैं आया और फिर ये कहानी ऐसी चलती रही काफ़ी देर तक, 2009 तक. फिर 2009 में असीम के जाने के बाद वी फाइनली हैड हिमांशु एंड तुहीन. उस वक्त भी थोड़ा फ्लक्स हुआ कुछ देर के लिए, कोई और वोकलिस्ट भी आए, सुधीर आए थोड़ी देर के लिए, ज्ञान सिंह आए तबला बजाने के लिए, बट फाइनली तुहीन और हिमांशु रह गए. और क्या कर रहे थे आप लोग इसके अलावा, म्यूजिक बनाने के अलावा, जब भी आपने मतलब ज्वाइन किया? जब मैंने ज्वाइन हम दोनों का तो वीडियो में भी झगड़ा चलता है, झगड़ा होता ना. नहीं, मैं जब औशिम की तबीयत ख़राब हुई थी तब मैं मुझे कहा गया था कि आप जैम करने की कोशिश करें, तो मैं आया था उस समय भी और अभी भी. मैं फिल्म्स बनाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाता हूँ, मेरी कंपनी है. और निखिल की कहानी तो और भी मज़े की है. और तुहीन आज उपस्थित नहीं है. हाँ, तुहीन ने दिसंबर 2009 में एक शो बजाया था और फिर जनवरी में 2010 में एक शो बजाया, फिर अप्रैल 2010 के बाद से फॉर्मली ज्वाइन किया. क्योंकि क्या है, उस टाइम पे फ्लक्स था, कौन बजाएगा कौन बजाएगा. और ज्ञान सिंह जो आए थे, ज्ञान सिंह बहुत सारे और प्रोजेक्ट करते हैं तो बिजी थे, तो हमको क्लियर था कि वो हमें नंबर वन प्रायोरिटी नहीं रखेंगे. तो जबकि तुहीन ने कहा कि हाँ मैं रख लूँगा, तो तुहीन आ गए. फिर 2013 तक हमको क्लियर हो गया था कि सुष्मित जी बैंड छोड़ देंगे, क्योंकि उनका उनको लगने लग गया था कि यार मैं ना इंस्ट्रूमेंटल बजाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और आजकल इंडियन ओशन में वोकल काफ़ी आ रहे हैं. और शायद उन्हें लगा, वो पहले से ही एक दूसरा बैंड बना के शोज़ कर रहे थे और फिर वो हमको मालूम था कि ये डेट क्लैश होगा, ये होगा वो होगा, तो हमें मालूम था. फिर अमित ने सजेस्ट किया निखिल राव. आप आए थे, वो मुझे बता रहे थे इससे पहले कि आप कहीं पीएचडी कर रहे थे. नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग कहानी. हमें जो असली कहानी वो आपको बतानी. अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज. नहीं, हमारा मत है, सबका मानना है कि सिंगापुर में बर्गर फ्लिप कर रहा था. नहीं यार, ऑन कैमरा सच्चा यार, सीरियसली पढ़े प्लीज, बहुत ही पढ़ा लिखा एक इंसान है. आप भी मेरे ख्याल से पीएचडी कर रहे थे, कर चुके डॉक्टर राहुल. अरे रुको सर, आप लोग पूरा पीएचडी, आधा पीएचडी, इनका पता नहीं. मास्टर तक गए थे आप? हाँ, पूरा कर चुके सर. ये मास्टर है और हम तो बुद्धि कम ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स. डिग्री लिए हैं? हाँ बिल्कुल लिए हैं भैया, डिग्री लिए हैं, पास हुए हैं, अटेंडेंस में थोड़े शॉर्ट थे लेकिन पास हुए. और तुहीन का तो बेस्ट है, वो बीएससी फिजिक्स ज्वाइन करने गया था किरोड़ी मल. हाँ सर, मैं भी मैथ्स ऑनर्स के चक्कर में गया. बीए पास में एडमिशन लेके आया है क्योंकि उसको तबला बजाना था. तो म्यूजिक सोसाइटी वालों ने कहा यार बीए पास ले ले, क्योंकि फिजिक्स जिसने काम ज्यादा करवाते तेरे को फ्री नहीं मिलेगा. हमारे साथ भी ऐसा, एडमिशन में भी हमसे यही बोला कि तुमसे ना हो पाएगा. नहीं नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे. तो हाँ, मतलब मेरा तो कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ इंडियन ओशन में. तो मैं आ गया यहाँ पर, एक जॉब वॉज वेटिंग फॉर मी, तो जस्ट लक आई थिंक. नो, दिस गाय वाज डूइंग हिज पीएचडी इन मटेरियल साइंस इन सिंगापुर. वो मुझे बता दे. और हमने जब इसे अप्रोच किया, उसने कहा कि यार मेरे पीएचडी में ना 3 साल लगेंगे. मैंने कहा साला 3 साल लगेंगे, अच्छा. और बड़ा ये दृढ़ निश्चय कि 3 पीएचडी खत्म करनी है मेरे. ये ऑलमोस्ट मेंट टू हैपन हुआ कि दिसंबर में 2012 में इसका एडवाइजर भाग गया. इसका एडवाइजर इस स्टूडेंट को लटका के भाग गया, सिंगापुर से चले गया वैनकूवर.
तो ये आदमी लटक गया क्योंकि उस डिपार्टमेंट में और कोई उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहा था जिस पे ये कर रहा था. तो ये गया डिपार्टमेंट के बाद, उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, जितना काम किया हो लिख दो, हम तेरे को मास्टर्स डिग्री देके धकेल देंगे बाहर. निखिल तू आज सच्ची बता दे कि वो भागा क्यों? तुमने उससे क्या पूछा था? वो नहीं देख रहा होगा ये. नहीं, मस्त बंदा था वो, अभी तो विद डिस्टेंस. तो नहीं नहीं, तो वो देख नहीं रहा होगा, उसको भी हिंदी थोड़ा आता है. बिल्कुल नहीं आता, वो चाइना में है अभी तो, चाइनीज बंदा है वो. बट नहीं, आई थिंक ही हैड अबाउट, हमारे रिसर्च ग्रुप में 5-6 स्टूडेंट्स थे और सब लोग के 4-4.5 साल हो गए थे और मैं आई वॉज द वन हु विद 2 years. तो उसने कहा यार ये लोग सबका तो हो रहा है और यू नो मेरे को भी आगे बढ़ना है यहाँ, मुझे नहीं लग रहा है सिंगापुर से, मेरा भी मन भर गया आगे निकलना है, मैं चाइना में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो फिर तू बता क्या करेगा. सो ही इंट्रोड्यूस मी, एनीवे वो सब होते रहता है सरकारी चीज़, इंट्रोड्यूस मी टू अनदर गाइड. तो उसके लैब में मैंने थोड़ा काम किया 6-8 महीने. फिर हमको लगा कि क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्शनलेस सा था बिकॉज इट्स बड़ी चीज़ है ये PhD, अगर होता है 3-4 साल में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 7-8 कितने भी लग सकते हैं, वो ये हो जाता है ना. तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, बाइज्जत बरी होके मैं इसमें गाना बजाने आ गया फिर उसके बाद. खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ ये आया और हमारा लकीली समर का टाइम था तो काफ़ी प्रैक्टिस कर पाए. आई थिंक पहला शो जो इसने किया है, आई थिंक बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक कुछ सेमी कॉर्पोरेट टाइप का अवार्ड नाइट था वहाँ पे, राइट? या वे ही डिड 2-3 शोज विद सुष्मित. हाँ, देयर वाज अ लिटिल ओवरलैप वेयर ही प्लेड वन ओवरलैप बिकॉज़ सुष्मित न्यू ही इज लीविंग. वी सेड यार इसको थोड़ा स्टेज पे इंट्रोड्यूस करके जा जब जाएगा, कि जब तक जितने शो हैं पहले से उतने तो करके जा. सो दैट ही वाज ऑन स्टेज सो वी हैड टू गेट अप प्लेयर्स एंड सुष्मित इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द ऑडियंस सेइंग आई एम लीविंग ही इज टेकिंग ओवर इत्यादि. तो फिर इन्होंने बजाया जी, पूरे हमारे बैडमिंटन के जो स्टार सितारे हैं आजकल के सारे सब थे वहाँ मौजूद. बिल्कुल बड़ा मजा आया. आप लोग ऐसे कोई काउंट रखते हो भाई, कहाँ कितना परफॉर्म किया आपने, कितने शोज किए हैं? रखते थे सरकारी आदमी है आप, पहले अर्जी दीजिए, ट्रिप्लिकेट में फॉर्म लिखिए, कार्बन में उसको साइन करवाइए, फिर देखिए. पूछता था कि कहाँ ऐसे कोई मन में है आपके, कोई दिमाग में शो है यार वहाँ परफॉर्म किया था बड़ा मज़ा आया था वहाँ फिर से परफॉर्म करना है? बहुत ऐसी जगहें होती हैं, बहुत ऐसी जगहें हैं. सब पूछते हैं कि यार तुम्हारा फेवरेट शो कौन सा रहा है. हाँ. और क्या ऐसा बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अलग अलग वेन्यूज़ में जैसे कॉलेज शोज हमको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है स्टूडेंट से. पहले फेस्टिवल्स होते थे, NH7 होता था, तो उसमें उसका एक शो मुझे याद है पुणे वाला, मैं कभी नहीं भूल सकता उस स्टीव आई को जिस दिन हमने सुना था. एंड उसकी एक बहुत ही मेमोरेबल एक फोटोग्राफ हमारे एक दोस्त ने एक फेरिस व्हील में चढ़ के भी ली थी. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपैंस. और मुझे याद है हमारे गाने ऑडियंस साथ में गा रही थी ज़्यादातर. तो इतने सारे लोग जब गाते हैं और एक अजीब सा एक लगता है यार कि वाह मज़ा आया, वो शो मुझे बहुत याद आता. मुझे मेरी बहन बता रही थी गुड़गांव में कोई शो देख रही थी वो आपका, ये कोविड से पहले की बात है, तो मतलब वो देख रहे थे लोग शराब वगैरह पी रहे थे, तो कोई बंदा आया उसने पर्ची दी आपको, गाना आपका नहीं था भाई ये गा दो. अच्छा हाँ. नहीं ऐसे तो बहुत होता है, ये सब होता है कभी कभी. कुछ ज्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी दूसरे बैंड का गाना मिस्टेक कर देते हैं, कोई जुनून का गाना बोल देता है, कोई सिल्क रूट का बोल देता है, टूटा टूटा एक बंदा अल्लाह के बंदे कह देते लोग, अल्लाह के बंदे बहुत होता है, अरे रुक जा रहे बंदे की जगह अल्लाह के बंदे, वो भी बहुत होता है. क्यों वो तो फिर. और न्यूज क्लिक के सुनने वालों को पता चलना चाहिए इनका नाम रघुराम नहीं है, ये राहुल राम. जो भी मिले ना आपको बोलते रहने, रघु जी ऑटोग्राफ के बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसा. ये रघु नहीं है यार, उसके पास बाल नहीं है, बाल है उनके पास, दाढ़ी है. और आरबीआई से भी कोई लेना देना नहीं है. रघु और राजीव की पूरी जिंदगी में इतने बाल नहीं आए होंगे. तो ये रघुराम नहीं है, राहुल राम है. वोकल वोकल की आपने बात की कि वोकल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो अब 2014 में जो एल्बम आई थी तंदनु, उसमें गर हो सके एक गाना था और वो काफी ज्यादा मतलब वो बहुत अच्छा लिखा है ऑब्वियसली. फिर आपने पीपली लाइव में जिंदगी से डरते हो भी गाया था और अभी जो जादू माया भी आना है, बहुत अच्छे लिखे हुए गाने हैं. तो क्या आपका ये रहता है कि थोड़े हम ऐसे गाने भी
लेकर आएँ जो कि जैसे अच्छे लिखे हों या हम बढ़िया जो है लोग उसको याद कर सकें, गा सकें और मज़ा, जैसे बंदे बहुत अच्छा लिखा गाना है, फिर कंदीसा है गानों का। अलबत्ता जितने भी आप देख लें इंडियन ओशन के सभी के लिरिक्स मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे हैं, सोच के लिखे गए हैं, अच्छे लोगों ने लिखे हैं। एक पुराने दोस्त हैं संजू, वो लिखते हैं, वरुण के तो लिरिक्स आपने देख ही लिए हैं, उसके अलावा पीयूष भाई हैं, हाँ, अभी जो सरपट सरपट भी है उनका, तो बंदे भी उनका है, तो अच्छे लोगों से गाना अगर लिखवाएंगे तो अच्छे लिरिक्स तो आएंगे। आप लोग खुद भी लिखते हैं गाने? ये इस एल्बम का जो तू है, हाँ, ये शायद पहला ऐसा गाना है जो हमने मिलके लिखा है, मैंने और राहुल ने, इसके हिंदी वाले जो पार्ट है हमने लिखा है, जो इसमें शुरू का जो पार्ट है वो अमित की मदर ने लिखा है, उनकी माँ ने लिखा, कश्मीरी में जो है। और बात का तो बुल्ले शाह का है, वो तो जो तू है टू में, वो तो बुल्ले शाह साहब का, तो उसका नाम हमने टू है क्यों नहीं लिखा तो। और आप बताइए क्या आप गाना चाहते हैं अभी? अच्छा गाना तू है गा दो, तू है गा दे, तू है करते हैं। जे रब मिलदा नादियां तोतियां, रब मिलदा डडुआ मछियां नू, तू है या नहीं मन मन में ही मैं सोचूं कभी कभी, वन वन हाफ यूरुस चाने हमारे साहिबो मुला हुनासी, वन वन हाफ यूरुस चाने हमारे साहिबो मुला हुनासी, क्या तूने मुझे बनाया करूं मैं तू ही बता, तू है या नहीं मन मन में मैं सोचूं कभी कभी, वन वन हाफ यूरुस चाने हमारे साहिबो यूरहू नाची। अच्छा मेजर लगाया क्या बात, मुझे इसका मतलब जानना है, जो कि मैं जंगल जंगल फिर रहा हूं, वन वन घुमा हूँ, लेकिन तुम हो लेकिन तुम मिल नहीं रहे हो, वन वन हाफ यूरुस चाइना हमारे तुमको ढूंढता ढूंढता फिर मैं फिर रहा हूँ, हाँ साहिब आप मिल नहीं पा रहे हो। फिर हिंदी वाले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम हो या नहीं हो, कहाँ से आए, क्यों आए, किसने बनाया, शायद तुम हो ही नहीं, शायद ये हमारे मन की उपज है या हम तुम्हारे मन की उपज है, वी डोंट नो दिस क्वेश्चन, सो दिस सॉन्ग डील्स विद दिस क्वेश्चन। तो तीन लोगों का और आंसर फिर नहीं नहीं आंसर बुल्ले शाह टाइप का, बुल्ले शाह ने तो कश्मीरी का आंसर दे दिया ना, हाँ। नहीं और इसमें मैं इंडियन ओशन के बारे में एक चीज भी कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में पांच लोग हैं बैंड में, एक एथिस्ट है, एक एग्नोस्टिक है, तीन बिलीवर हैं, मगर हम साथ में निकलते हैं यार, बड़े प्यार से एक दूसरे के, वी एक्सेप्ट ईच अदर फॉर व्हाट वी आर। एग्नोस्टिक हैं कि एथिस्ट? मैं तो एथिस्ट हूँ, ये एग्नोस्टिक है, ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है, मतलब एक्सेप्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यार, इट्स ओके मैन, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ वन वे ऑर द अदर। क्या पता आप ही गलत कह रहे हो। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो गाने बनाते टाइम ऐसा होता है ये, मतलब आपने ऑब्वियसली बोल दिया कि कभी भी ये बीच में नहीं आती है चीज, तो अगर गाने बन रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना कि नहीं ये गाना नहीं बनाना? नहीं, आई थिंक पता है क्या है, बीच में ना आने देना हम लोगों का जतन है, आई थिंक एवरीबॉडी इज मच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड देयर विल बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, लेकिन फिर भी गाना बनना चाहिए, जरूरी है, और सबका व्यू पॉइंट लें या किसी चीज में भी रिजॉल्व करें तो
तो उस तरह से करें जो कि जो हमारा मेन मकसद है गाना बनाना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, वो बाहर आए निकल करके। ऐसा नहीं, कभी कभी लगता है कि जैसे कोई गाने का ट्यून हो, मतलब नॉट टॉपिक बट ट्यून हो, जो अच्छी नहीं लग रही, किसी और ने कुछ बनाया है, जो पार्ट नहीं लग रहा है, तो फिर उसमें सब लोग थोड़े से लुंज टाइप के हो जाते हैं, तो वो पता चल जाता है कि ये बात नहीं बनने वाली है। बट आई थिंक टू एवरीबडी इज क्रेडिट, एवरीबडी ऑल्सो एक्सेप्ट्स दैट फेज एंड स्टेज की शायद आज जो मैंने बनाया है वो सबको उतना हिट नहीं किया, तो इसीलिए शायद आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, क्योंकि अपने आइडिया से आदमी फॉल्स इन लव विद हिज ओन आइडिया, राइट? एंड देन व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट इज वो लोग, मैं इसलिए नहीं कह रहे कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो मैं इसलिए कह रहे कि उनको मजा नहीं आ रहा है। सो दैट नेसेसरी ईगो डिस्ट्रक्शन, एक तो म्यूजिशियन बनने के लिए ईगो चाहिए, हाँ, पर उस ईगो को कंट्रोल नहीं, बट यू नीड अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू इट, एंड बट टू नॉट लेट दैट गेट अवे आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे आप, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बैंड्स टूटते हैं ईगो के कारण, तो उसमें उस पर कंट्रोल रखना मेरे ख्याल काफी इंपॉर्टेंट। तो ये है, एक तो कि जो फिल्में आप लोग चूज करते हैं कि हमको इस फिल्म में गाना गाना है, क्योंकि फिल्में आपने बहुत कम की हैं पूरे टाइम पर, कुछ ऐसा होता है कि एक आपका सवाल हम नहीं चूजते हैं, फिल्में हमें चूजती हैं। ऐसा कभी आपने मना नहीं किया किसी फिल्म को? नहीं, एक दो बार किया है, एक दो बार किया है, बट बाय एंड लार्ज ओनली दोज पीपल आस्क अस हु वांट आवर काइंड ऑफ म्यूजिक, बिकॉज हम ऐसे और भी किस्म का म्यूजिक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल पाता। अच्छा, वो जगराते वाला क्या सीन है? जगरातों में गाया? पांच साल गाया नहीं, बेस बजाया। और क्या टाइम था ये? ये था मेरे ख्याल, मेरे हिसाब से 93 90 से लेकर 50, नहीं नहीं 93 92 93 94 95 इंडियन ओशन के बाद। हाँ, भाई साहब, एक मिनट, इंडियन ओशन के पहले 5 शो में कुल मिला के 5 साल में 7 शो हुए थे। इंडियन ओशन से आमदनी नहीं आती थी, हम लोग प्रैक्टिस में जाने में ज्यादा पैसा खर्च करते थे। 5 साल में, मैं बता रहा हूँ आपको, कुल टोटल 96,000 रुपए कमाए हैं 4 लोगों ने 5 साल में, डिवाइड बाय 4 कीजिएगा। 4 भी नहीं था ज्यादा, हाँ, खाना जाना खाना पीना नहीं, नहीं वो सब छोड़ दीजिए ना, तो आप सोचिए ना कि 5 साल में अगर 20,000 रुपए डिवाइड, मतलब 5,000 रुपए साल में आमदनी इंडियन ओशन से होती थी। पागल है, मर जाएगा आदमी यार अगर उसी पे रिलाई करेगा। तो ऑब्वियसली वी यूज टू डू, एवरीबडी यूज टू डू अदर थिंग्स। अमित ऑफ कोर्स वाज टू यंग, ही वाज इन कॉलेज, सो ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, ऑन मनी, नो एट दैट टाइम ही वाज यंगेस्ट। हम नकारे लोग टाइप के थे, कॉलेज जाते थे और कॉलेज भी नहीं जाते थे पूरी तरह से। हम गाने से, गानों से, गानों से, गाने से, कई सारे गानों से। हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो बस एक जंगल है, आज तो पूरी घाटी जागी है। ओ, ये तो बस एक जंगल है, बोलिए आज तो पूरी घाटी जागी है। तू भी साथ दे इस धरती का, तू भी साथ दे इस धरती का, नम कर नम कर नम कर रोशन अपनी माँ का। ये तो बस एक जंगल है, आज तो पूरी घाटी जागी है। तू भी साथ दे इस धरती का, तू भी साथ दे इस धरती का, नम कर रोशन अपनी माँ का। क्या, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। तो ये थे इंडियन ओशियन हमारे साथ। एल्बम जो है आज 5 मई को स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और बस थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ व्हाइल, 2014 में तंदरुनी निकला था इंडियन ओशियन का आखिरी एल्बम, 9 साल हो गए।
कुछ ऐसे होते हैं हमारे गानों में, दो गाने इसमें ऐसे निकले जहाँ की वोकल्स ढाई मिनट के बाद आए हैं, बट पे अटेंशन इज फॉर।